हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में ये वाली फोटो को मैं एडिट करूंगा, इसका पूरा बैकग्राउंड चेंज करूंगा कुछ इस तरीके से ताकि पता ही ना चले कि बैकग्राउंड चेंज किया है। इसे मैं कुछ इस तरीके से एडिट करूंगा, देख सकते हो आप। सबसे पहले तो आप नीचे देख लीजिए कितने आराम से मतलब मैच हो चुका है बैकग्राउंड हमारा, एंड पूरी कलर ग्रेडिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है एंड शार्पनेस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले तो मैं अपनी PS Touch एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। ये PS Touch एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड परफेक्ट तरीके से बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली अभी हमें करना क्या है, सिंपली सबसे पहले तो जो हमारा बैकग्राउंड है उसे हमें लेके आना है। तो बैकग्राउंड को मैं फटाफट से लगा लेता हूँ यहाँ पे। तो ये बैकग्राउंड तो मैंने ये वाला चूज़ किया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड अभी मैं इसको कुछ इस तरीके से नीचे लेके आता हूँ एंड अपनी जो फोटो है उसे ऊपर एस वाले टूल में जाना है, हमें एस वाले टूल में जाना है एंड इसके बाद ट्रांसफॉर्म कर लेना है। एंड ट्रांसफॉर्म अच्छे तरीके से करिएगा, ऐसे रखिएगा फोटो को ताकि वो बैकग्राउंड से अच्छे तरीके से मैच हो जाए एंड थोड़ा सा फेक काम ना लगे तो अच्छा रहेगा। कुछ इसे ऊपर रख लेता हूँ थोड़ा सा एंड इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ ताकि बाइक का साइज़ और ये हमारी फ़ोटो थोड़ी सेम लगे। तो अभी हमें करना है सिंपली, तो हमारी मतलब जो फोटो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुकी है, बस इसमें थोड़ी कलर का इशू है। सबसे पहले तो मैं एम्प्टी लेयर लूँगा एंड जो हमारी नीचे शेडो है उसको बनाऊँगा। तो उसको बनाने के लिए काफ़ी इजी स्टेप है, ग्रेडियंट में जाना है इस वाले टूल में जाने के बाद। तो कुछ इस तरीके से शेडो लेके आ जानी है एंड यहाँ से डन। अभी आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हो चुकी है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से शेडो बन चुकी है एंड कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अभी हमें करना है सिंपली इसे मैं हल्का फुल्का मैच करूँगा बैकग्राउंड से। ऑब्जेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको लेयर मिल जाएगी ये वाली, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये वाला टूल मिल रहा होगा, ये वाला, इस पर जाना है एंड इसको देख सकते हो 70 पे काफ़ी ज़्यादा बकवास सी लग रही है, मैच नहीं हो रही। तो इसे कुछ इस तरीके से रखिएगा ताकि आपकी जो फ़ोटो है वो मतलब बैकग्राउंड से हल्की फुल्की मैच हो, ज़्यादा मैच ना हो। अभी धीरे धीरे हम काम करेंगे तो पूरी मैच कर देंगे इसे। तो करीब मैं 15 पे रख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हो जो मेंटेन हो चुकी है, अभी कुछ ज़्यादा फेक भी नहीं लग रहा एंड फोटो देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है। PS Touch काम यहीं पे ख़त्म होता है एंड अभी हमें करना है सिंपली फ़ोटो को सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। तो यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, सेव टू गैलरी एंड फोटो को सिलेक्ट करके JPEG में सेव कर लेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा कलर ग्रेडिंग करने के लिए एंड थोड़ा बैकग्राउंड से मैच करने के लिए स्नैपचैट का ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाला ऐप है एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले सिलेक्ट टूल पे जाना है एंड अपनी जो फेस है उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड इसके बाद कुछ इसका जो सर्कल साइज है इसको बढ़ाकर कुछ हमें हल्का सा पहले तो कंट्रास्ट बढ़ाना है ताकि जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारी फ़ोटो है, मतलब थोड़ी कंट्रास्ट सी हो जाए। एंड इसका जो सैचुरेशन है एंड स्ट्रक्चर है इसको बढ़ा देंगे। एंड अगर आज ज़रूरत पड़ी तो अगर हम इसे ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी करके देख सकते हैं जैसे हमको अच्छी लगे। तो मैं +13 रख रहा हूँ जिससे हमारा थोड़ा फेस अच्छे से मेंटेन हो जाए बैकग्राउंड के साथ। तो अभी हमें करना क्या सिंपली यहाँ पे हमें फिर से टूल में जाना है एंड टूल में जाने के बाद यहाँ पे हीलिंग से जो हमारे पिंपल्स हैं इनको मैं सब फटाफट से इरेज कर लूँगा। एंड पिंपल्स काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे इरेज हो चुके हैं। अब हम करेंगे सिंपली पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल रहा होगा आपको, उस पर जाएंगे एंड यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा हमारे फेस को एंड स्मूथ कर देगा। बट स्मूथ तो कर देता है, बट एक दिक्कत रहती है जो हमारे फेस की जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। उसको हम कैसे ठीक करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपली आपको इसकी ओनली स्किन स्मूथनेस को बढ़ाना है, बाकी सबको कम कर देना है। एंड इसके बाद देख सकते हो स्मूथनेस तो हो गई है बट शार्पनेस है जो वो चले गई है। तो ये इससे व्यू एडिट्स में जाएंगे एंड पोर्ट्रेट में जाएंगे एंड इसके बाद कुछ इस तरीके से जो हमारी फ़ोटो है स्मूथनेस हम वहीं पे करेंगे, जैसे थोड़ी फेस पे हल्का हल्का सा करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे देख के। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद हम सिंपली फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ से डन कर लेते हैं। एंड अभी आप शार्पनेस देख सकते हो वापस से आ चुकी है एंड फेस भी स्मूथ हो गया, शार्पनेस भी आ चुकी है, काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। एंड इसके बाद हमें करना है सिंपली फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है लेकिन अभी थोड़ी बहुत इसमें कमी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी सिंपली जो हमारा बैकग्राउंड है उसका थोड़ा कलर ज़्यादा है एंड हमारी फ़ोटो का कलर थोड़ा कम है, इसे भी हम मेंटेन करेंगे। तो टून इमेज में जाएंगे, टून इमेज में जाने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, फोटो को सबसे पहले तो ऐसे रख लीजिए एंड ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशंस, एम्बेंस, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करना, हाइलाइट्स को भी इंक्रीज़ करना है एंड शेडोज़ को भी। सबको इंक्रीज़ करने के बाद जो आपका जो वॉर्म है उसको कूल या आप इसे वॉर्म पे रख सकते हो, वैसे मैं इसे वॉर्म पे रख रहा हूँ ताकि थोड़ी ऑरेंज टोन आए
तो मुझे ऑरेंज टोन चाहिए तो इसलिए मैं वो पर रख रहा हूँ। देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड है वो मैच तो हो चुका है, बस एक ही दिक्कत है शार्पनेस की जो हमारी फोटो में बिल्कुल नहीं है एंड बैकग्राउंड पे थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको मेंटेन करेंगे डिटेल से। डिटेल में जाने के बाद आपको सिंपली टेक्सचर मिलता है उसको बढ़ाएंगे एंड शार्पनेस को बढ़ा देंगे अपने हिसाब से, मतलब फोटो को जूम करके देख लेना अच्छे से जैसा आपको अच्छा लगे उसी तरीके से रखना। बट इससे भी एक दिक्कत आ रही वही वाली कि पूरी फोटो पे अप्लाई हो जा रहा है, तो इसे भी हम ऊपर जाएंगे एडिट में एंड इसे व्यू एडिट्स की मदद से अपनी फ़ोटो के एजिस पे ही ओनली रखेंगे, जिससे हमारी फ़ोटो भी अच्छी रहेगी एंड बैकग्राउंड पे भी ज़्यादा शार्पनेस नहीं रहेगी। तो फटाफट से मैं इसे एक मिनट इसकी जो ओपेसिटी उसको बढ़ाकर एंड कुछ इस तरीके से जो हमारी पूरी बॉडी के एजिस हैं उनको मैं इस तरीके से कवर कर लूँगा एंड पूरे एजिस कवर हो चुके हैं अब। एंड एजिस कवर होने के बाद आपको सिंपली आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ एक बार बिफोर एंड आफ्टर करके, कुछ इस तरीके की थी एंड देखिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब हो चुकी है। आपको भी अच्छी अगर लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना कैसी लग रही है एडिटिंग ट्रिक्स। एंड अभी हमें थोड़ा एक कलर टोन चाहिए, मतलब एक सनलाइट का इफेक्ट चाहिए, तो मैं फटाफट से उस सनलाइट के इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें सनलाइट का जो इफेक्ट है उसे हम थोड़ा साइड में ऐड में रखने के बाद उसे थोड़ा साइड में रख देंगे ताकि जो थोड़ा उसका जो कलर है उसको साइज को बढ़ाकर उसका जो कलर है हमारे थोड़े फेस पे एंड थोड़े हेयर्स पे आए। एक मिनट आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखना कितना इफेक्ट पड़ा है उससे, कितनी अच्छे तरीके से हो चुकी है। एंड अभी हम सिंपली करेंगे क्या, ऊपर डन वाले ऑप्शन से फोटो को सेव कर लेंगे एंड अपनी जो फोटो है उसे मैं लाइट रूम में ऐड करूँगा एंड थोड़े बहुत कलर इफेक्ट दूंगा। तो लाइट रूम में आने के बाद आपको सिंपली आपको इसे कलर इफेक्ट, सिर्फ कलर इफेक्ट में आपको छेड़खानी करनी है थोड़ी सी, तो बाकी सब कुछ सही है। सबसे पहले तो हम मिक्स टूल में जाएंगे एंड ऊपर आपको मिक्स टूल मिल रहा है, यहाँ से हम जो हमारा रेड है सिंपली ये लिप्स एंड थोड़ा बाइक के वो कलर, बाइक का जो लाइट वाला कलर है उस पर ही ऐड होगा ये। तो इसकी मैं सैचुरेशंस एंड इसके जो लुमिनेंस है उसको बढ़ा देता हूँ एंड ये हल्का सा फेस के लिए काम कर रहा है, तो इसके भी सैचुरेशंस एंड लुमिनेंस एंड ये बैकग्राउंड पे सनलाइट का काम कर रहा है, तो इसकी मैं एचयूवी बिल्कुल कम कर दूंगा, जिससे देख सकते हो बैकग्राउंड का कलर एकदम से ही पूरा चेंज हो चुका है। एंड इसके बाद हमें करना क्या है, अब इसे एचयूवी को प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं एंड इसके बाद बाकी जो कलर है उनका भी मैं ऐसे ही करूँगा, सैचुरेशंस को बढ़ा लूँगा एंड उसके बाद लुमिनेंस को बढ़ा दूँगा एंड ये थोड़ी मेरी जो क्लॉथ्स हैं एंड थोड़े बैकग्राउंड के लिए जो उस पर मैच कर रहा है ब्लू वाला, तो मैं ऐसे कुछ इस तरीके से मेंटेन कर दूंगा ताकि थोड़ा अच्छा से पूरी परफेक्ट मैचिंग लगे। एंड इसके बाद हमें मिक्स वाले टूल के साथ में एक टूल मिलता है उस पर जाएंगे एंड यहाँ पे आपको शेडोज, मिड टोन एंड इसके बाद आपको हाईलाइट्स मिलता है। तो हाईलाइट्स में मैं सिंपली मुझे थोड़ी ऑरेंज ऑरेंज टोन चाहिए पूरी फोटो में, जहाँ पे हाईलाइट्स में थोड़ी ऑरेंज ऑरेंज टोन हो जाए, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से मतलब अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लूँगा ताकि थोड़ी अच्छी सी मतलब टोन आए। एंड इस तो काफ़ी एक बार में ही पूरी टोन बदल चुकी है फ़ोटो की एंड इसके बाद थोड़ा सा शार्पनेस वगैरह को बढ़ा लेना, मास्किंग को बढ़ा लेना, नॉइस रिडक्शंस को बढ़ा लेना एंड इसके बाद थोड़ा डिटेल्स को बढ़ा देना जिससे फोटो थोड़ी शार्प सी हो जाएगी। एंड मास्किंग को करीब 70 रख रहा हूँ एंड शार्पनेस को कम रखिएगा, मास्किंग को ज़्यादा रखिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, फोटो को जूम करके देख लेना आप कभी। एंड इसके बाद नॉइस रिडक्शन एंड कंट्रास्ट कलर नॉइस वगैरह को बढ़ा देंगे, ये बेसिक सी थोड़े इफेक्ट्स आ जाते हैं इससे थोड़ा अच्छी सी फोटो लगती है मतलब। एंड इसके बाद देख सकते हो आप फोटो हमारी पूरी एडिट हो चुकी है एंड कुछ ज़्यादा ओवर भी नहीं हुई है एंड पूरी एकदम से परफेक्ट मैचिंग भी हो चुकी है। एंड वीडियो आपको कैसी लगी वो लाइक कमेंट में बता देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।